थर्ड तो हमारा ब्लेड ब्लेड्स स्प्लिट लेंस, जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, एक लेंस लेंगे हम और उसको दो पार्ट में काट देंगे बीच में से और उसको स्प्लिट कर देंगे, तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा। ये मान लो हमारा लेंस है ना, नॉर्मल लेंस। ये ऐसा लेंस है हमारा ना, हमने इसको दो पार्ट में काटा और इसको दूर दूर रख दिया और इसके बीच में कोई चीज़ रख देते हैं सपोर्ट करने के लिए, से कोई वुडन का ऑब्जेक्ट रख दिया ना, कुछ भी रख दिया इसके बीच में। एक लेंस को दो पार्ट में काट दिया, इसका कुछ फोकस होगा वो हमको ऑलरेडी पता होगा, जो भी इसका फोकस है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, ये मान लो यहाँ पे कहीं स्क्रीन रख दी हमने, अब स्क्रीन रखी होगी किसी डिस्टेंस पे, वो डिस्टेंस मान लेते हैं बी है, ऑब्जेक्ट हो रखा होगा किसी डिस्टेंस पे, सोर्स हमारा मतलब सोर्स को यहाँ रख दिया से, तो सोर्स किसी डिस्टेंस पर है मान लेते हैं ए, जो भी डिस्टेंस है। अब ये सब तो मैं गिवन होगा है ना, बी गिवन होगा, ए गिवन होगा। अब पहली बात तो अगर देखो, अब यहाँ पे जब लेंस के लिए रखना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको कौन से रीजन में रखा गया है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। जैसे ऑब्जेक्ट के लिए ये एफ टू एफ है ना, ऑब्जेक्ट के लिए ये तुम्हारा फर्स्ट रीजन है, ये तुम्हारा फर्स्ट रीजन ही होता है, सेकेंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये है ना ऑब्जेक्ट के लिए। तो ऑब्जेक्ट के लिए तुमने सोर्स को सेकंड रीजन में रख दिया है, अगर इंटरफेरेंस पैटर्न चाहिए तो तुम्हारा सोर्स सेकंड रीजन में होना चाहिए, ठीक है। अगर सोर्स ऑब्जेक्ट तुम्हारा सेकंड रीजन में, तो इमेज कौन से रीजन में आती है, फर्स्ट। और इमेज का फर्स्ट सेकंड कहाँ पे होता है, इमेज का फर्स्ट ये होता है और सेकंड ये होता है, तो इमेज कहीं यहाँ पर आएगी, ठीक है। तुम्हारी समझ गए, हम स्क्रीन को थोड़ा दूर बना देते हैं। तो तुम्हारा इमेज मान लेते कहीं यहाँ पे आएगी ना, और ये डिस्टेंस तुम्हारा बी हो गया, स्क्रीन को यहाँ पे रखा हुआ है हमने, ठीक। अच्छा, अब इस लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी होगी बताओ, इस लेंस की प्रिंसिपल, ऊपर वाले लेंस के लिए प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी है, ये है ना प्रिंसिपल एक्सिस, तो उसके हिसाब से भाई सोर्स तो नीचे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट तो ऐसा रखा हुआ है। मैग्नीफिकेशन क्या होता है लेंस में, वी वाई यू, तुम्हारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इमेज कहीं यहाँ पर आएगी मान लो, वो तुम निकाल लोगे वन वाई बी माइनस वन वाई यू इक्वल टू वन वाई एफ करके निकाल लोगे ना, अरे फॉर्मूला लगाओगे तुम, वन वाई बी माइनस वन वाई यू इक्वल टू वन वाई एफ, यू तुम क्या रखोगे यहाँ पे, माइनस ए, यू को माइनस ए रखोगे, एफ तुमको पता है तुम्हारा वी निकल जाएगा, ये यहाँ पे जहाँ पे तुम्हारी इमेज आ रही है ये डिस्टेंस तुम्हारा v हो जाएगा, ये जहाँ पे ऑब्जेक्ट है ये तुम्हारा u है, ए इज नथिंग बट मतलब ठीक है ना, मतलब माइनस यू बोल दो इक्वल टू माइनस यू, ठीक है ये चीज़। तो इससे तुम्हें v पता चल गया, अब v पता चल गया तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है लेंस में, वी वाई यू, वी पॉजिटिव है और u नेगेटिव। वैसे भी रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज जब बनती है वो इन्वर्टेड आती है लेंस के केस में, तो अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज कैसी आएगी, इस प्रिंसिपल एक्सिस के हिसाब से पहले पोजीशन तो ये होगी और इमेज कुछ ऐसी आएगी, मतलब जो पहला सोर्स होगा इसका इमेज S1 ऐसा आएगा तुम्हारा, ये समझ में आया क्या। पहले देख लो, हमने ऑब्जेक्ट को सेकंड में रखा तो इमेज फर्स्ट रीजन में आई, अब ये टू का वन होता है, वन का टू, ये तो तुम्हें पता ही है, रीजन तो मैं याद रख सकते हो लेंस के लिए, पढ़ाया गया है तुम्हें, ये बहुत काम का होता है, मैंने कहा था अगर ढंग से कंसेप्ट को समझ जाए तो, ठीक है। चलो क्लियर है वाली चीज। सिमिलरली इसके लिए इसकी प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी होगी, सेकंड वाले लेंस की, सेम फंडा रिपीट करना है अब तो, ये मान लो सेकंड वाले लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस ये है, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा रखा हुआ है, इन्वर्ट करेंगे तो कैसा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, तो ये तुम्हारा कहाँ पे आ गया, ये तुम्हारा S1 था, ये तुम्हारा क्या आ गया S2, तो वही जो हम करना चाह रहे थे वही चीज़ हमने कर दी, एक सोर्स को दो पार्ट में कर दिया, एक सोर्स से दो सोर्स बना दिए हमने, है ना। चाहो तो बताएं यही सोर्स से तुम बताएं रे ट्रेसिंग से भी कर सकते हो, से ये ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविडेट पास होती है रे, तो ये सोर्स से निकल के इस तरह से पास हो रही होगी पहली रे,
और दूसरी रे कैसे कैसे कहीं भी यहाँ से पास करा दो, हमें पता है भाई कन्वर्जिंग लेंस से कन्वर्ज करेगा, इससे कुछ इस तरह से पास हो रही होगी रे। तो ये वो रीजन है जहाँ पे पहले वाले सोर्स से लाइट निकल के आ रही है, जो एक्चुअली इमेज सोर्स है। आ रहा है समझ में? सब में सेम कंसेप्ट लगा रहे हैं हम। अब वही कंसेप्ट है तुम्हारे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के। सेकंड वाले को भी रे ट्रेसिंग से देख सकते हैं हम, है ना। ये ऑप्टिकल सेंटर मान लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से अनडेविएटेड पास होती है, तो मान लेते हैं एस टू से लाइट इस तरह से पास हो रही है, और एक को हम एक्सट्रीम वाले से कन्वर्ज करवा देते हैं। तो कन्वर्ज करवाओ, ये वो रीजन है जहाँ पे सेकंड वाले के कारण आ रही है, सेकंड वाले सोर्स से लाइट आ रही है। तो बताओ इंटरफेरेंस पैटर्न कहाँ दिखेगी, ये समझे? सिर्फ इतने रीजन में दिखेगी इंटरफेरेंस पैटर्न, और कहीं नहीं दिखेगी। दिस इज आवर रीजन ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न। अब क्या निकालना होता है हमको? बोलेंगे भाई बीटा निकालो, तो बीटा निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? लैम्डा तुमको पता होगा, कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। कैपिटल डी क्या होगा बताओ, कौन सा डिस्टेंस कैपिटल डी कहलाएगा? ये डिस्टेंस कैपिटल डी है, ये डिस्टेंस, क्योंकि ये तुम्हारे एस वन एस टू है, और इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? कैपिटल डी इज नथिंग बट बी माइनस वी। अगर तुमने वी निकाल लिया तो कैपिटल डी आ जाएगा, कैपिटल डी इज नथिंग बट, यहाँ पे एक तो मैग्नीफिकेशन और लगाना पड़ेगा ना, ये लिख लेना। ये सब फॉर्मूले जब लगाओगे ऑर्डर में अपने आप आंसर निकल के आएगा। तो मैग्नीफिकेशन क्या आ गया, डी इक्वल टू क्या आया तुम्हारा, बी माइनस वी, दिख रहा है ये सबको? अब एक और क्या चीज निकालनी है हमको, स्मॉल डी। स्मॉल डी कैसे निकालें आप? तो सबसे पहले तो देखो, ये जो वुडन का ऑब्जेक्ट है भाई, ये जो स्प्लिट करे दोनों लेंसेज को, ये तुमको गिवन होगा ना, ये तो वो बताएंगे कि भाई इसकी क्या है। तो ये मान लेते, कुछ भी मान लो इसको, ये लेंथ मान लेते सी है। तो ये ऑब्जेक्ट की यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गई, सी बाई टू, उस हिसाब से हाइट ऑफ इमेज निकल जाएगी। हमने बोला मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगा दो आप यहाँ पे। तो मैग्नीफिकेशन हमको पता है लेंस में होता है वी वाई यू इक्वल टू एच आई वाई एच ओ। तो एच आई कितना आया तुम्हारा, वी वाई यू, वी तुमने निकाल लिया, यू तुमको पता है, इंटू एच ओ, और एच ओ कितना है तुम्हारा, सी बाई टू, एच ओ इज नथिंग बट, वो तुम रख देना ना, एच ओ तुम्हारा यहाँ पे सी बाई टू है। तो यहाँ पे एच आई आ गया। अब एच आई को से पता है, इसका सेप पता है, वो लेना है मैग्नीट्यूड, साइन वगैरह तो ऊपर नीचे कर रहा है। तो तुम्हें पता चल गया ये लेंथ कितनी है, सी, देखो ये लेंथ तो सी है, ये कितनी है एच आई, और ये भी कितनी है, तो स्मॉल डी कितना हो गया तुम्हारा, सी प्लस टू एच आई, सबको निकल गया ना, कैपिटल डी निकल गया। तो पहली इक्वेशन ये लगाई तुमने, दूसरी इक्वेशन तो मैग्नीफिकेशन वाली लगाओगे, फिर कैपिटल डी निकाल लोगे और स्मॉल डी भी निकाल लोगे, फिर बीटा आ गया तुम्हारा, सब हो गया। बचा गया इसमें, लिखो जल्दी से, ये इंपॉर्टेंट है, सोर्स को सेकंड में रखा है। कुछ ऐसी भी जगह हो सकती हैं जहां से इंटरफेरेंस पैटर्न तुम्हें दिखे ही ना। सोचो इस स्क्रीन को अगर थोड़ा सा आगे कर देते, यहाँ रख दें अगर इस स्क्रीन को, तो इंटरफेरेंस पैटर्न दिखेगी? कोई इंटरफेरेंस पैटर्न ही नहीं आएगी। तो अब ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, और अभी तक इस पर आए नहीं है इस तरह के क्वेश्चंस, तो कोई बड़ी बात नहीं है, कॉम्प्रिहेंशन दे देंगे तुम्हें बिलेट स्प्लिट लेंस पे या फिर फ्रेंजल वगैरह पे, और कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेंगे डिफिकल्ट से। चलो तो फिर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ डेटा ले लेते हैं। फोकस 15 सेंटीमीटर का मान लो, इसे हटाओ, बहुत हो गया। ये डिस्टेंस ले लेते हैं, उन दोनों को हमने सेपरेट करा है 1 मिलीमीटर, और लेंस का स्क्रीन से डिस्टेंस है 1 मीटर। क्वेश्चन है ना, करो। और जो सोर्स है हमारा वो लेंस से है 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। हो गया सारा डेटा। लैम्डा और चाहिए ना, लैम्डा ले लो फिर 500 नैनोमीटर। फाइंड फ्रिंज विड्थ।
और जब एग्जाम में आएगा सिर्फ ऐसा ही बनाएगा ना, डायग्राम वगैरह कुछ नहीं होगा, बाकी सब तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि तुम्हें क्या क्या निकालना है और किस तरह से स्टेप्स में बढ़ना है। तो सबसे पहले तो हमको पता है, अब हमारे दिमाग में कहानी है कि सोर्सेस यहाँ पे आते हैं, S1 S2 यहाँ पे आते हैं, और मुझे बीटा निकालने के लिए क्या चाहिए, बीटा का फॉर्मूला होता है लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, मुझे कैपिटल डी चाहिए, स्मॉल डी चाहिए, तो कैपिटल डी तो ये है। अब कैपिटल डी कैसे निकालें, उसके लिए वाला डिस्टेंस चाहिए, और दिस इज नथिंग बट वी। मतलब बताओ दिमाग में कहानी कैसे डेवलप होगी एग्जाम में, तुम्हें पता होना चाहिए। पहले तो ये देख पा रहे हो ना 20 सेंटीमीटर पर रखा है, मतलब 15 और 30 के बीच में है, मतलब F और 2F के बीच में है, मतलब सेकंड रीजन में, सेकंड रीजन में तो बिल्कुल सही है, कहीं और है तो गड़बड़ है। ठीक है, तो कैपिटल डी निकालने के लिए V चाहिए, V को निकालते हैं। हमको फॉर्मूला तो आता ही है, 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F, 1/V माइनस U कितना है भाई, माइनस 20, F कितना है, कॉन्वेक्स है ना लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, तो प्लस 15, तो तुम्हारा 1/U आ गया 1/15 माइनस 1/20, तो 1/5, 1/3 माइनस 1/4, ये कितना आ गया 1/60, तो V तुम्हारा आ गया 60 सेंटीमीटर। तो यहीं से हमको दिख गया कैपिटल D कितना हो गया हमारा, बताओ 40 सेंटीमीटर हो गया कैपिटल D, क्योंकि 100 सेंटीमीटर माइनस 60 सेंटीमीटर। एक चीज़ तो निकाल ली, अब हमको स्मॉल डी निकालना है, स्मॉल डी ये है, स्मॉल डी निकालने के लिए ये चीज़ चाहिए है ना, स्मॉल डी ये है, स्मॉल डी हमको पता है, एक तो ये डिस्टेंस हो गया, और ये डिस्टेंस एच आई है, और ये डिस्टेंस भी कितना है एच आई है, तो हमको एच आई चाहिए, एच आई चाहिए ना, ये तो हमको पता ही है 1 मिलीमीटर है। उसके लिए क्या चाहिए, मैग्नीफिकेशन चाहिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है बताओ, 0.5 mm, तो मैग्नीफिकेशन होता है एच आई वाई एच ओ, और लेंस के केस में क्या होता है V/U, तो एच आई तुमको चाहिए, एच ओ कितना है तुम्हारा 0.5 mm, यहाँ पे मैं साइन के साथ नहीं रख रहा हूँ, मुझे इसे मैग्नीट्यूड से मतलब है, इन्वर्टेड है वो तो मैंने ऑलरेडी देख लिया। वी कितना है तुम्हारा 60, यू कितना है तुम्हारा 20, तो एच आई कितना आ गया तुम्हारा 1.5 mm आ गया मेरे ख्याल से है ना, 1.5 mm, तो स्मॉल डी कितना हो गया सी प्लस 2 HI, सी तुम्हारा 1 mm है, और 2 HI कितना हो गया 3, तो 4 मिलीमीटर। अब तो सब हो गया, हमने कैपिटल डी निकाल लिया, स्मॉल डी भी निकाल लिया, लैम्डा है हमारे पास, तो बीटा निकल के आ जाएगा। कर लोगे इसके क्वेश्चन सॉल्व फिर, ठीक है। देखो अब अगर ऐसा कुछ कर दें इसमें, हम बिलेट स्प्लिट लेंस में F है, 2F है, अब ऐसा कुछ करा नहीं है अभी आज तक, IIT में पूछा नहीं गया, पर जो नहीं पूछा वही तो पूछते हैं, उन्हीं सब चीज़ों के आगे आने के चांसेस है। अगर सोर्स को मैं यहाँ पे रख दूँ, और स्क्रीन है और सारा डेटा दे रही है तुमको, जो डिस्टेंस वगैरह जो भी चाहिए ये स्क्रीन है, फिर पूछेंगे भाई कि बताओ भाई इंटरफेरेंस पैटर्न, पूछेंगे बीटा बताओ, बीटा के बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे, तो बताओ क्या होगा अगर सोर्स को यहाँ पे रख दूंगा, तो फिर क्या हो जाएगा, ये कौन सा रीजन है, थर्ड रीजन है, जब रीजन थर्ड होता है तो रियल ऑब्जेक्ट ही कैसी इमेज आती है, अच्छा कौन से रीजन में आएगी, मैंने कहा था ना ये वाली चीज़ें याद होनी चाहिए, क्वेश्चन इसी से सॉल्व होते हैं, तो वहाँ पे तुमको बताएंगे नहीं कि थर्ड रीजन में है, वहाँ पे तो बस डिस्टेंस दिया होगा, ये तुमको फिगर आउट करना है। जब ऑब्जेक्ट थर्ड रीजन में होता है तो इमेज फोर्थ रीजन में आती है, और इमेज का फोर्थ रीजन कौन सा होता है, ये, तो यहीं कहीं पर आएगी, और इमेज कैसी आती है, V/U, V और U दोनों नेगेटिव हैं, तो इमेज कैसी होगी, मतलब कैसी होगी ओरिएंटेशन, इरेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो से कहीं यहाँ पे बन रही है ना, तो पहला S1 तुम्हारा यहाँ पे बन जाएगा, और इसके लिए ऑब्जेक्ट ऐसा है तो S2 तुम्हारा कहीं यहाँ पे बन जाएगा, मतलब तुम्हारे S1 S2 ऐसे आ जाएंगे, यहाँ कहीं पे तुम्हारा S1 आएगा और यहाँ कहीं पे तुम्हारा, ये बात समझ में आई क्या, ये हमने उस डेटा से निकाला, मैंने कहा था उसको बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लो सोमनाथ, नहीं करा ना, पढ़ा नहीं है ना ढंग से जाके, देखो पढ़ोगे तो फिर कोई दिक्कत आनी नहीं, अच्छे से अच्छे लेवल के क्वेश्चन कर पाओगे।
ठीक है चलो, तो फिर देखते हैं ना, इससे लाइट ऐसे निकलती जा रही होगी और तुमको कहाँ जाती हुई दिखेगी, यहाँ पे, और यहाँ पे लाइट थोड़ी सी कन्वर्ज हो जाएगी, कुछ ऐसी जाती हुई दिखेगी। ये तुम्हारा रीजन बना गया, नहीं ये गलत कर दिया ना, S1 तो तुम्हारा ये है, फर्स्ट वाले की तो S1 से निकलेगी ना लाइट, एक तो ये जा रही है और दूसरी ऐसे जाती हुई दिखाई दे रही है। ये ऑप्टिकल सेंटर मान लेते हैं, तो S2 वाले की कैसे जा रही होगी, एक यहाँ जाएगी, पहली लाइट यहाँ पे जाएगी और एक्सट्रीम वाली कहाँ जाएगी, कुछ ऐसी जाएगी। तो बताओ इंटरफेरेंस पैटर्न कौन से रीजन में आएगी, स्क्रीन पे इंटरफेरेंस पैटर्न किस रीजन में दिखाई देगी, नहीं आएगी ना, क्योंकि इसके लिए दोनों सोर्सेज की लाइट को मिलना होगा, पहले सोर्स की लाइट बस यहाँ पे जा रही है, दूसरे सोर्स की लाइट यहाँ पे जा रही है, तो कोई इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं आएगी, नो इंटरफेरेंस पैटर्न। अभी देखो हल्का सा ये बस तुम तभी पता कर सकते हो जब तुम इस डिटेल पे ध्यान दो, जब इस चीज पे ध्यान, और ऐसा मत सोचना कुछ बोल रहा था पीछे आएगी, पीछे नहीं आएगी, पीछे रखोगे तो लाइट सोर्स की लाइट डायरेक्ट यहाँ पे जा रही है, ये दो सोर्स है ही नहीं फिर तो पीछे के लिए, एक ही सोर्स है, समझ में आई, तो कोई इंटरफेरेंस पैटर्न आएगी ही नहीं इस केस में, और तुम मतलब अपने फॉर्मूले और मिले लगा के सॉल्व करने लग जाओ और आंसर निकाल दो और वहाँ पे वो ऑप्शन भी होगा मार्क कर दोगे और वहीं पे नन ऑफ दीज भी होगा, और नन ऑफ दीज तो हमको ऐसा लगता है कि कभी होता ही नहीं है, लगता है ना जनरली कमी है, पर ध्यान रखना भाई आ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन, इसको ऐसे लिख लेना ना, अगर मॉड यू इज लेस देन मॉड एफ है ना, मतलब रीजन थर्ड में रखा हुआ है हमारा ऑब्जेक्ट, हमने अगर रीजन थर्ड में रख दिया, ऑब्जेक्ट के लिए रीजन थर्ड है और इमेज के लिए क्या है रीजन फोर। तुम्हें ऑप्टिक्स से जे एडवांस के क्वेश्चन मिल गए, नहीं मिले, अच्छा पेपर का एनालिसिस करके आए हो घर से, कितने लोग करके आए हो, ठीक है, और पेपर लेके आए हो, ठीक है, तो फिर आगे काम बताए बाद में स्टार्ट करेंगे,